गोल्ड W40 अपने पास आ चुका है दोस्तों। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले और ये अंडर 1K में काफी ज्यादा धूम मचाने वाला है, बिकॉज इस प्राइस रेंज में आपको 13mm का ड्राइवर देखने को मिलने वाला है। और मैं इस बर्ड्स को 5 आवर से यूज कर रहा हूँ और काफी ज्यादा इसमें बेस देखने को मिलता है। इस बर्ड्स को मैंने लिया है ओनली 900 में। तो सबसे पहले करते हैं इसे अनबॉक्स। कुछ ऐसा दिखता है आपको बोल्ट W40 का बॉक्स। बॉक्स के साइड में आपको सिंगल एयरपॉड्स का एक पिक्चर दिख जाता है। एंड बैक साइड की बात करें तो आपको लो लेटेंसी मिल जाती है एंड 13mm का ड्राइवर मिल जाता है, जो कि इसकी सबसे हाईलाइटिंग फीचर है। और क्वाड माइक भी मिल जाता है विथ ENC और डुअल मास्टर भी है। आई थिंक ये डुअल मास्टर ये बोलना चाह रहे हैं, डुअल पेयरिंग भी है। एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि सबसे लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन है एट दिस टाइम। तो चलो बॉक्स को जल्दी से खोल लेते हैं। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। पैकेजिंग तो बहुत ही हार्ड है, ओ माय। तो बॉक्स के ऊपर सबसे पहले आपको स्कैन एंड सिक्योर का एक पेपर मिल जाता है। इस पे आप स्कैन करके एक्सटेंडेड वारंटी 3 मंथ तक बढ़ा सकते हो। बहुत ही सही कर रहे हैं बोल्ट वाले, आपको 3 मंथ का एक्सटेंडेड वारंटी भी दे रहे हैं, जो कि आजकल कोई ब्रांड नहीं करता। इनफैक्ट बोल्ट भी नहीं अभी तक कर रहा। उसके बाद आपको मिल जाते हैं और सारे पुस्तकें, इसे पढ़ के आप ज्ञानी बाबा बन सकते हो। और ज्यादा ज्ञान आ जाए तो इंस्टा पे मुझे DM कर देना, ठीक है। तो ये रहा हमारा बोल्ट W40। ओ माय गॉड, क्या क्यूटनेस है इसकी। लिटरली बता रहा हूं, मुझे ये तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये 900 की बर्ड्स है। लुक वाइज तो एयरपॉड्स को बीट कर रहा है दोस्तों ये तो। एक्सेसरीज में आपको वही ईयर टिप्स देखने को मिलेंगे और आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाएगा USB थ्रू टाइप सी वाली। तो बॉक्स को रखते हैं साइड, अब बात करते हैं अपने बर्ड्स के ऊपर। फर्स्ट इंप्रेशन में बता दूं तो ये बर्ड्स आपको काफी ज्यादा क्यूट लगने वाला है। अगर आप इसे आउटडोर में यूज करते हो तो लिटरली आपके फ्रेंड्स तो पूछेंगे इससे मेरा क्या फायदा। इनफैक्ट ये मेरे मुट्ठी में आ जाता है एयरपॉड्स की तरह। और सबसे पहले मैं बता दूं, ऊपर से जो फिनिशिंग की गई है वो मैट फिनिशिंग की गई है, काइंड ऑफ रबर वाला फील मुझे आ रहा है। सबसे पहले बर्ड्स को मैं अपने नथिंग फोन से कनेक्ट कर लेता हूं। तो फाइनली हमारा बर्ड्स कनेक्ट हो गया है। बैटरी भी यहां पे आपको शो हो जाएगी, 100% अभी चार्ज है। तो सबसे पहले बात करते हैं केस की। केस की जो क्वालिटी है काफी ज्यादा प्रीमियम है। वन हैंड भी यूज कर सकते हो, मैं इजीली वन हैंड से ओपन कर पा रहा हूँ और क्लोज कर पा रहा हूँ। और जब आप इसे क्लोज करते हो तो लिटरली सेटिस्फाइंग साउंड भी आता है। एंड एक छोटा सा मैं आपको ड्रॉप टेस्ट भी करके दिखा रहा हूँ। ड्रॉप टेस्ट में तो मुझे कोई भी स्क्रैचेस देखने को नहीं मिले। एंड बर्ड्स के साइज की बात करें तो बर्ड्स का साइज भी काफी ज्यादा मिनिमल है, काफी ज्यादा क्यूट है। बर्ड्स में भी आपको ऊपर से मैट फिनिशिंग मिलता है, देन आपको ईयर के साइड आपको थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश मिलता है। तो मैं 2-4 घंटे अपने बर्ड्स को टेस्ट करूंगा, देन मैं आपको अपना जेन्युइन रिव्यू बताऊंगा कि मुझे ये बर्ड्स कैसा लगा। 5 hours later। तो अब बात करते हैं बर्ड्स के फिटिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने कानों में लगा लेता हूं। जब आप इसे ईयर में इन करोगे तो अप्रोक्स 40% जो आउटडोर की साउंड है वो रिड्यूस कर देता है, क्योंकि इसकी जो फिटिंग है वो कानों में जाने के बाद बैठ जाता है। आपको ऐसा फील होने वाला है कि आपने ANC वाली बर्ड्स यूज कर रखे हो। मेरे कहने का मतलब वो महंगी वाली ANC नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सस्ते वाले की बात कर रहा हूं। बात तो सही है। एंड ईयर टिप्स की बात करें तो ईयर टिप्स भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है, तो इस वजह से काफी लंबे टाइम तक आप इसे पहन सकते हो। म्यूजिक क्वालिटी की बात करें तो मैं 1-2 सॉन्ग सुन लेता हूं, यही सॉन्ग सुनने वाला हूँ, बिकॉज इसमें जो बेस है वो काफी ज्यादा है। और देखते हैं इसका बेस कितना है, क्योंकि इन्होंने तो बोला 13mm का ड्राइवर है, बस लिख दिया या हैवी वो चेक करते हैं। तो साउंड क्वालिटी की बात करें तो इस बर्ड्स ने मुझे इम्प्रेस कर दिया है। और इस बर्ड्स की जो बेस है वो काफी तगड़ी देखने को मिलती है लिटरली। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी काफी ज्यादा इस बर्ड्स में आपको देखने को मिलता है। अगर आप 100% वॉल्यूम पे प्ले करते हो तो आप सुन नहीं सकते हो, इतनी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलती है। और बेस जो है आप 80% वॉल्यूम तक प्ले करते हो तो काफी सही फील होती है, बट अगर 80% से ऊपर जाते हो तो आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं टच एंड कंट्रोल के बारे में। तो टच एंड कंट्रोल भी इस बर्ड्स के काफी ज्यादा सही है, क्योंकि जब आप ईयर टिप्स पे टच करोगे तो आपको एक फील आएगी, अंदर में एक साउंड आएगी, जिससे आपको पता चलने वाला है कि मैंने इस बर्ड्स पे प्रेस किया है। एंड टच फंक्शन की बात करें तो वही आपको नॉर्मल सा मिल जाता है, म्यूजिक प्ले एंड पॉज, नेक्स्ट करना, प्रीवियस करना, कॉल पिकअप करना, कॉल ड्रॉप करना, जो कि आजकल सारे बर्ड्स में आपको मिलते हैं। कॉल क्वालिटी की बात करें तो मैं एक बार कॉल करके दिखाता हूं। तो आप देख सकते हो मैं अभी इस बर्ड से बात कर रहा हूं, तो अभी जो आप मेरी आवाज सुन रहे हो ये बोल्ट W40 से सुन रहे हो। तो आप कमेंट करके बताओ इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो मैंने फैन भी ऑन कर रखा है और इस बर्ड्स के अंदर आपको क्वाड माइक का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, इस वजह से इसका माइक का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा सही हो जाता है। तो अब बात करते हैं लो लेटेंसी की। तो बोल्ट ने बोला है इस बर्ड्स में आपको लो लेटेंसी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले कर लेते हैं अपना BGMI टेस्ट। तो चलो मैं छोटा सा एक गेम भी खेल ही लेता हूं। तो अब बात करते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैंने इस बर्ड्स को 4 घंटे टोटल यूज किए और उसमें मैंने कुछ वेब सीरीज देखे, कुछ गेम भी खेला और इस बर्ड से मैंने थोड़ी बात भी की, समझ रहे हो। तो अगर मैं अपना टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस को मिला के बोलूं तो इस बर्ड्स ने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया, बिकॉज 900 में जो आपको साउंड क्वालिटी मिलती है, बैटरी लाइफ मिलती है एंड माइक की क्वालिटी मिलती है वो इनसेन है। तो अगर इस बर्ड्स को आप भी लेना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जाके ले सकते हो। और तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। बंद कर यार रिकॉर्डिंग, बहुत थक गया हूँ यार। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था।